दिल्ली के एक 5-स्टार होटल के सेफ को जब मैंने देखा कि वह सेब को कच्ची रोटी के अंदर लपेट रहे हैं और देखते ही देखते उन्होंने उसको तेल में भी फ्राई करना चालू कर दिया, तो मैंने उनसे कहा कि सेब साहब, ये आप क्या कर रहे हो भला? इस तरीके से रोटी के अंदर सेब डाल के कौन फ्राई करता है? ऐसे तो हमारा तेल, सेब और रोटी जो है वो सारी की सारी खराब हो जाएगी। तो सेब साहब बोलते हैं कि सर, कुछ खराब नहीं होगा, बहुत ही खास चीज बना के तैयार कर रहा हूं मैं, जो कि आपको 5-स्टार होटल या फिर बड़े रेस्टोरेंट में देखने को मिलती है। तो मैंने बोला कि ऐसी कौन सी खास चीज है, जरा आप मुझे भी बताइए। तो सेब साहब बोलते हैं, क्यों नहीं। सेब साहब आगे की जानकारी दें दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारा यह वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूं। हमारी पिछली वीडियो का थैंक्स जाता है पूर्णिमा जी को उत्तराखंड से, सुमित जी को शाहजहांपुर से, लीलावती जी को अमेरिका से और सुलेंद्र जी को पालमपुर से। सेब साहब ने बताया कि हमको इसे अच्छे से तेल में फ्राई कर लेना होगा जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और इसको फिर बाद में एक अलग बाउल में बर्फ की कुछ क्यूब्स रखकर हमें इसको कुछ अल्टा पल्टी मरा लेनी होगी। इस तरीके से मैंने बोला कि अब हमें क्या करना होगा सेब साहब, इसको आपने अल्टा पल्टी भी मरा दी है, बर्फ के क्यूब्स के ऊपर भी आपने इसको रख दिया है। तो सेब साहब बोलते हैं कि इसे 2 से 4 मिनट ऐसे ही रखे देना होगा, बाकी की आगे की प्रोसेसिंग हम जारी करते हैं। इसके लिए हमें एक कढ़ाई या पैन लेना होगा, उसके अंदर 1 चम्मच घी डाल के हमें इसके अंदर ऐड कर लेनी होगी चीनी। चीनी हमें ऐड करने के बाद जब तक यह मेल्ट ना हो जाए तब तक हमें इसको कुछ इसी तरीके से इसके अंदर स्पैचुला की मदद से घुमाते रहना होगा। जैसे ही चीनी हमारी इस तरीके से मेल्ट हो जाए, फिर उसके बाद हमें इसके अंदर ऐड करना होगा दूध। तो मैंने सेब साहब से कहा कि सेब साहब, भला सेब का, चीनी का और सेब का क्या मेल हुआ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो लग रहा है कि आपने ये सारी की सारी चीजें खराब कर दी है। तो सेब साहब बोलते हैं कि कुछ भी मैंने खराब नहीं किया है, आपको भी पता है कि मैं 5-स्टार होटल का सेफ हूँ, ऐसे चीजें खराब करने लगा तो मुझे यहाँ कोई नहीं रखे क्या? और मैंने बोला कि सेब साहब, ये तो हमारी जो चीनी है वो तो अच्छे से मेल्ट ही नहीं हो रही है, इसका हम क्या करेंगे? तो सेब साहब बोलते हैं कि सर, जैसे जैसे हमारा दूध गर्म होता जाएगा वैसे वैसे हमारी जो ये चीनी है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, और जैसे ही इसके अंदर ये अच्छे से मेल्ट हो जाए हमें इसके अंदर ऐड करना होगा 1 छोटी कटोरी मिल्क पाउडर। मैंने बोला सेब साहब से कि सेब साहब, अब आपने इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया, मुझे नहीं लग रहा है कि आज आप कोई काम की चीज बना के तैयार कर रहे हो। तो सेब साहब बोलते हैं कि सर, आप मुझे 5 मिनट का समय और दीजिए, आपको एक ऐसी चीज बना के तैयार कर दूंगा जो कि आप जब भी आप मार्केट में इसे खाओगे तो इस चीज का आपको पता लग जाएगा कि यह 5-स्टार होटल या फिर बड़े रेस्टोरेंटों में कितनी ज्यादा महंगी मिलती है। तो मैंने बोला चलो ठीक है सेब साहब, आप बोलते हैं तो मैं वेट कर लेता हूँ। तो सेब साहब ने उसको स्पैचुला की मदद से घुमाने को कहा और फिर बोला कि अब इसको हम सेब को बाहर निकाल लेते हैं और उसे एक चाकू की मदद से अच्छे से काट लेते हैं। सेब जब भी आप लें तो उन्होंने बताया कि सेब एकदम बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और इसको कुछ इस तरीके से अच्छे से कट के इसके अंदर के जो बीज है या फिर इसके जो ऊपर का जो हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है कट करके हमें साफ सेब को रख लेना होगा और इसके जो साइड में कचरा है उसको हमें अलग कर देना होगा और फिर इसके अंदर आटे को और सेब को दोनों ही चीजों को हमें अच्छे से मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेना होगा और ग्राइंड करने के बाद जैसे ही हमारा मिल्क पाउडर इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए, मेल्ट होते ही हमें इसके अंदर ऐड कर देना होगा हमारा सेव और जो आटे को जो हमने ग्राइंड किया है, जो रोटी को हमने ग्राइंड किया है उसको इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना होगा लगभग 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट में यह बहुत ही अच्छे तरीके से बनके है वो तैयार हो जाएगा। तो मैंने सेब साहब से बोला, क्या सेब साहब आज की हमारी यह खास डिश बनके तैयार हो चुकी है, तो क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? तो सेब साहब बोलते हैं, नहीं सर, अभी थोड़ी ये कच्ची है, इसमें हमें लगभग 5 से 7 मिनट और लगेंगे इसको पकाने के लिए, और अभी तो मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी ऐड कर रहा हूँ। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद हमें इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक और पकाना होगा। गैस की फ्लेम है वो आप हाई या लो कैसी भी रख सकते हैं, लेकिन स्पैचुला की मदद से आपको इस तरीके से कंटिन्यू घुमाना होगा। अब मैं गैस की फ्लेम को अच्छे से इसको घुमा के बंद कर देता हूँ और जैसे ही यार हल्का थोड़ा ठंडा हो जाए एक अलग प्लेट में आप इसको निकाल लीजिए और निकालने के बाद आप इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। आप देख सकते हैं पैन ने इसको हमारे अच्छे से छोड़ दिया है, तब गैस की फ्लेम को बंद किया है। अब अच्छे से मैं इसको सेट कर लेता हूँ और सेट करने के बाद मैं इसे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में जमने के लिए छोड़ भी देता हूँ, ताकि है हमारा एकदम बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए और जम के तैयार हो जाए। तो दोस्तों, मुझे तो यह सेब साहब की खास डिश बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, आपको कैसी लगी है हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। और सेब साहब ने 1 से 1.5 घंटे बाद जब इसके रिजल्ट मुझे दिखाए तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यम्मी बन के यह चीज तैयार हुई। अगर दोस्तों आपको यह चीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और दुनिया के कौन से कोने से आप हमारी ये वीडियो देखते हैं ये भी हमें जरूर बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूं। मैं चलता हूं दोस्तों, मुझे दीजिए अलविदा, आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। जाने से पहले हमारे
फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को आप जरूर फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।